सो गाइज आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज दिस इज बाय इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब एंड दिस इज अबाउट जजमेंट डे कयामत का दिन एंड ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है. इसको जितना इसके बारे में जानो, जितना इसके बारे में सोचो, जितना इसके बारे में बातचीत करो कम है बिकॉज ये इसका इंतज़ार सबको है राइट. एंड ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिन है बिकॉज उस दिन आपने ज़िंदगी में जो अमाल किए हैं, जो गलत काम किए हैं, जो अच्छे काम किए हैं, उसका हिसाब आपको देना है. जिस इंसान के दिल में जजमेंट डे आखिरत का डर होता है वो इंसान गलत कामों से बचता है, अच्छे अमाल करता है, अच्छे काम करता है, दूसरे को अच्छे से ट्रीट करता है एंड इंसानियत से रहता है. और जिसको आखिरत का डर नहीं होता, जिसको आखिरत का तारुफ ही नहीं है, वो इंसान तो बेफिक्र ही है एक तरह से एंड वो कुछ भी करेगा. एंड लेट्स सी के इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब हमें इसमें क्या बताएंगे. तो चलिए गाइस आज के वीडियो का आगाज करते हैं. एक नेक बंदे की जब रूह निकलने लगती है उसके साथ क्या मामलात होते हैं और एक बुरे बंदे की रूह, तो उसमें आप हदीस में देखें तो वो लोगों को नजर आ जाता है कि अब हमारे साथ क्या मामला होने वाला है, तो उससे तो गुमान हो जाता है कि मेरी आखिरी घड़ी आ पहुंची. तफत साक बिसाक और पिंडली पिंडली से जुड़ जा. आप पता है ये जो रूह निकलती है ना ये पांव की तरफ से निकलती है, यूं निकल के यूं जाती है. और जब वो एग्जैक्ट कैफियत तारी होती है, जिन लोगों ने ये ऑब्जर्वेशन की हुई है ना, कई लोग हमारे भी जानने वालों में, कि वो नजा के वक्त जब रूह निकल रही होती है उस वक्त वो यानी उस मुर्दे के पास मौजूद हो एग्जैक्ट उस वक्त में, वो जो कैफियत तारी होती है वो बिल्कुल इसी तरीके से होती है कि ऐसे टांगों जो है वो इंसान की ऐसे जुड़ जाती है, पिंडली से पिंडली मिल जाती है ऐसे और फिर यूं निकलती है. जाहिर है वो रूह निकलना तो फिर जनाब बड़ा मुश्किल काम है. मैंने बताया ना कि वो रूह जब ऐसे निकलती है जो फासे की रूह, तो फिर ऐसे निकलती है. तो निसाई में अबू दाऊद में हदीस है कि गोया कोई शख्स जो है वो कांटे वाली चीज रूई में दाखिल करके उसको खींचे, तो वो किस तरीके से एक तार तार होता है इंसान. अल्लाह ताला मौत की सख्तियां आसान फरमाए. पिंडली से पिंडली जुड़ जाएगी. इला रब्बी का यौम इदिनिल मसाक, अब तुम्हारे रब की तरफ पूछ का वक्त आ चुका. यानी अल्लाह ताला फरमाता है जब ये हालत होगी तो इंसान को पता चल जाएगा अब मैं अपने रब के हुजूर पेश होऊंगा. अब अगर तो वो शख्स गुनाहगार है तो उसके साथ क्या मामला होने वाला. फला सद्दक वला सल्ला, ना तो तूने तस्दीक की और ना नमाज पढ़ी, यानी सच्चाई की तस्दीक नहीं की, पैगंबरों की बातों को सीरियस नहीं लिया, खुदा के लिए नमाज नहीं पढ़ी. वलाकिन कज़्ज़ब व तवल्ला, बल्कि तू तो हक झुटलाता रहा और मुंह फेरता रहा. तुम्मा ज़हबा इला अहलिही यतमत्ता, और तू बड़े नखरे के साथ अपने घर वालों की तरफ लौटता रहा. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजालिस में भी बैठते थे ना, सुनते थे, बात अट्रैक्ट भी करती थी, फिर उसी अकड़ में अपने घर वालों के पास आते थे बड़े नखरे के साथ कि हाँ जी हो के आए हैं, तो बात में वजन ही नहीं. औला लकफा औला, तेरी खराबी आ लगी है तेरी खराबी. हुम्मा औला लकफा औला, तेरी खराबी का वक्त आ चुका, फिर तेरी खराबी का वक्त आ चुका. ये चार दफा है क्या? खैर मना ले. जब सूरज लपेट लिया जाएगा और जब तारे बेनूर हो जाएंगे और जब पहाड़ चलाए जाएंगे और जब ब्याहने वाली ऊंटनियां यूं ही छोड़ दी जाएंगी और जब वैशी जानवर जमा किए जाएंगे और जब समंदर आग हो जाएंगे और जब रूहें जिस्मों से मिला दी जाएंगी और जब उस बच्ची से जो जिंदा दफना दी गई हो पूछा जाएगा कि वो किस गुनाह के सबब कत्ल कर दी गई और जब आमाल के दफ्तर खोले जाएंगे और जब आसमान की खाल खींच ली जाएगी और जब दोजख की आग भड़काई जाएगी और जब बहिश्त करीब लाई जाएगी, तब हर शख्स मालूम कर लेगा कि वो क्या लेकर आया है. बस मैं उन सितारों की कसम खाता हूं जो पीछे हट जाती हैं और जो सैर करते और गायब हो जाती हैं, और रात की कसम जब वो फैलने लगती है और सुबह की कसम जब वो नमूदार होती है, कि बेशक ये कुरान उस फरिश्ते आली मकाम का सुनाया हुआ पैगाम है जो साहिब कुव्वत है, मालिक अर्श के हां ऊंचे दर्जे वाला है, सरदार है, साथ ही अमानतदार है. और मक्के वालों,
तुम्हारे रफीक यानी हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीवाने नहीं हैं, और बेशक उन्होंने इस फरिश्ते को आसमान के खुले किनारे पर देखा है, और वो गैब की बातों के जाहिर करने में बखील नहीं, और ये किसी शैतान मरदूद का कलाम नहीं है। फिर तुम लोग किधर जा रहे हो? ये कुरान तो तमाम जहानों के लिए नसीहत है, यानी उसके लिए जो तुम में से सीधी राह चलना चाहे, और तुम लोग कुछ भी नहीं चाह सकते मगर वही जो अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे। अल्लाह फरमाता है कि तेरी खराबी आ पहुंची। अयहसबुल इंसानु अन युतरक सुदा, क्या इंसान ये ख्याल करता है कि उसे इसी तरीके से छोड़ दिया जाएगा? यानी अल्लाह ताला ने बना के छोड़ दिया है ये, यानी ये शुतर बेमुहार है, इसको अल्लाह ताला ने अपनी मर्जी पे छोड़ दिया, इसको कोई पूछने वाला नहीं है। अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबदा, क्या तूने ये गुमान किया कि हमने तुझे फजूली पैदा कर दिया और तुझे लौट के हमारी तरफ नहीं आना? ये वही चीज है। अलम यकु नुतफतम मिम मनी युमना, क्या इंसान मनी का एक बेकदर कतरा नहीं था जो टपकाया गया था? इंसान की हकीकत यह थी, एक बेकदर, जैसे एक बेकदर बीज जमीन में बोया जाता है उससे दरख्त निकलता है, इंसान भी एक बेकदर मनी का कतरा था जो टपकाया गया था। तुम मकाना आला पतन फलका फसवा, फिर वो अलका बन गया, लोथड़ा बन गया, फलका फसवा, फिर अल्लाह ताला ने उसे सवारा, उसके आजाद दुरुस्त कर दिया। ये आलाका का तर्जुमा पहले तो खून का लोथड़ा किया जाता था, अब यानी ये एक लीच लाइक सब्सटेंस की बात है जो रहम मादर के साथ चिपकी होती है, जो वहां से खुराक हासिल कर रही होती है। तो अल्लाह तआला फरमाता है कि वो आलाका बना और उसके बाद उसके अज़ा को अल्लाह तबारक व तआला ने बिल्कुल दुरुस्त कर दिया। पजअला मिन्हु ज़ौजैन अज़्ज़कर वल उन्था, फिर हमने उससे दो किस्में बनाई, मर्द और औरत, यानी उमन या मुजक्कर की फॉर्म में को पैदा होता है या मोनस की फॉर्म में। यानी अल्लाह ताला फरमा रहा है कि एक मनी के कतरे को हमने एक मुकम्मल इंसान बना के बाहर निकाला। इसमें मां बाप की तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होती है, उनका तो अपना एक मामला होता है और अल्लाह ताला एक इस सारे के सारे मामलात को लेकर चलते आगे। अलैसा ज़ालिक, क्या वो हस्ती जो इस बात पे कुदरत रखती है कि एक बेकदर पानी से एक मुकम्मल इंसान बना के निकालती है, तब इंसान पागल हो जाता है कि एक बेकदर पानी, फिर वो किस तरीके से उसमें डेवलपमेंट होती है, उंगलियां बनती हैं, आंखें आती हैं, नाखून तक बन जाते हैं, पूरे अज़ा फिट होते हैं, और फिर वो उस सबसे बड़ी बात उसके अंदर जान होती है, फिर वो निकलता है। अल्लाह फरमाता है जिसने तुम्हें बेकदर पानी से, मनी के कतरे से पूरा इंसान बना के बाहर निकाला, अलैसा ज़ालिका बिकादरिन अला अन युहयिल मौता, क्या वो हस्ती इस पे कादर नहीं होगी कि मुर्दों को जिंदा कर ले? जब तुम कोई शय नहीं थे, उसने तुम्हें पैदा किया, तुम्हारी हड्डियों से तुम्हें दोबारा नहीं निकाल सकता। यह असल में उस सवाल का जवाब है जो शुरू में आया था ना, अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा, इंसान कहता है ये हड्डियां किस तरीके से जो है वो दोबारा होगी। अल्लाह ने दुनिया में बताया कि तुम्हें इससे बड़ा एक्सपीरियंस करवाया जा रहा है कि तुम बेकदर पानी थे और अल्लाह ताला ने तुम्हें एक मुकम्मल इंसान बना के निकाला। इसके ऊपर घंटों बोला जा सकता है कि इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने क्या क्या चीजें रख दी हैं। इंसान, जमीन आसमान की सारी मखलूकात मिलकर एक इंसान की कोई चीज परफेक्ट नहीं बना सकती। सो गाइस, ये था हमारा वीडियो ऑन जजमेंट डे, एंड दिस इज़ बाय इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने डिस्क्राइब किया जजमेंट डे, एंड मैंने एक आज नई चीज़ सीखी जो उन्होंने स्टार्टिंग में बताया था कि इंसान की रूह को पैरों से निकाला जाता है एंड पिंडलियाँ जुड़ जाती हैं, पैर जुड़ जाते हैं और वहाँ से रूह निकलती है, एंड अगर तो वो एक अच्छी रूह है, मतलब एक अच्छा इंसान की रूह है, तो फिर तो कोई ऑब्वियसली दिक्कत नहीं होगी जो एक अच्छे अमाल किए जिस बंदे ने इस दुनिया में। बट एक जिसने कुछ भी नहीं किया इस दुनिया में, मतलब बात ही नहीं मानी है, ना फरमान था, तो उसका क्या हाल होगा, बस सोच के देख लो।
एंड इस चीज़ से हमें अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि अगर हम सही चीज़ नहीं कर रहे हैं अभी तो कर लें सही, नहीं तो फिर क्या हश्र होगा वो देख लें। मतलब ये बहुत बड़ी चीज़ है एंड खोल खोल के हर एक चीज़ बयां की जा रही है कुरान में। लोग कुरान पढ़ते भी हैं बट उसको समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारी लाइक बर्थ लैंग्वेज नहीं है, राइट? तो हमें हमारी लैंग्वेज में समझना बहुत ज़रूरी है एंड अरबी सीखना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल था, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।